Samsung F22 versus Narzo 30। तो आज की वीडियो में यहाँ पे हम फुल टू स्पीड टेस्ट करने वाले हैं MediaTek Helio G80 versus MediaTek G95 का। अब देखो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं, ये भी 12,500 रुपए का है, ये भी 12,500 रुपए का आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आपको कौन सा ज्यादा बेटर देखने को मिलता है आज की वीडियो में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ Samsung F22 versus Narzo 30 के अंदर। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो मैं कहूंगा, रेड कलर वाला बटन अगर आपको नीचे दिख रहा है तो प्लीज उसको जरूर दबा देना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आई होप आप लोग लाइक भी कर दोगे यार, सिर्फ एम रखते हैं 500 लाइक्स का, आई होप आप लोग प्लीज जरूर से करवा दोगे। अब अगर देखो स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो कुछ चीजें किसी में कुछ अच्छी हैं, किसी में कुछ बुरी हैं, बाकी यार मेन अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो यहां पे दोनों में ही MediaTek मिलता है, लेकिन Narzo 30 में आपको G95 देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको Samsung F22 में G80 देखने को मिलता है। कितना डिफरेंस है लेसी यार आज की वीडियो में यहाँ पे जानेंगे। उससे पहले अगर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब तो रेड कलर वाला बटन दिख रहा है नीचे तो दबा दो यार, और क्या करना है। सबसे पहले हम यार स्टार्ट करते हैं यार एंटूटू बेंचमार्क से, देखते हैं कौन जल्दी से यहाँ पे ओपन कर पाता है और किसका स्कोर कितना आपको देखने को मिलता है। वैसे नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि कौन कितना पावरफुल है, तो G95 का आप देख पाओगे 3 लाख प्लस स्कोर आता है, वहीं पे 2 लाख भी यहाँ पे Samsung का F22 नहीं क्रॉस कर पाता है, तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर दोनों में ही यहाँ पे हम देखें ना कि रीड एंड राइट स्पीड कितनी आपको देखने को मिलती है, दोनों में ही LPDDR4X यहाँ पे आपको रैम टाइप देखने को मिलती है। स्टोरेज का यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं कौन कितना देखने को मिलता है। देखो ज्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पे मुझे नहीं देखने के लिए मिला, लेकिन आप जैसे कि देखोगे कि स्पीड जो है रीड स्पीड जो है वो आपको फास्टर Narzo 30 में देखने को मिलती है, जो कि इक्विवेलेंट है UFS 2.1 के। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे जो राइट स्पीड है दोनों में ही ऑलमोस्ट बराबर से मिलती है, इवन मैं कहूँगा राइट स्पीड ये फास्ट देखने के लिए मिलती है यहाँ पे Samsung के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा Narzo में झूलझाल आपको देखने के लिए मिलेगा, दिखाता तो 2.1 के इक्विवेलेंट है लेकिन स्पीड इतनी आती नहीं है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर बात करें Geekbench की तो लेट्स सी, और यहाँ पे Samsung ने सरप्राइजिंगली पहले ओपन कर लिया है। बाकी अगर स्कोर्स वगैरह अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी देख पाओगे कि स्कोर में G95 आपको Narzo 30 काफ़ी ज़्यादा स्कोर यहाँ पे दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। दोनों ही एंड्रॉयड 11 पे है। सबसे पहले यार स्पीड टेस्ट को ओपन करके देखते हैं, दोनों में सेम वाईफाई नेटवर्क से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है और दोनों ही कनेक्ट हो गए हैं। लेट्स सी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने में क्या किसी में कोई इशू आपको देखने को मिलता है। बाकी यार देखो अगर नेटवर्क स्पीड की बात करूँ जो नॉर्मली सिम डाटा आप यूज़ करते हो उसमें Narzo 30 आपको थोड़ा सा बैटर देगा, क्योंकि इसके अंदर 4G प्लस का कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है जो कि Samsung F22 में आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। बाकी स्पीड के मामले में भी आप वाईफाई में देखोगे तो दोनों अच्छे से चल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आपको कोई ज्यादा मेजर इशू किसी में देखने के लिए मिलेगा, दोनों ही सही से आपके लिए वर्क करेंगे। बाकी अगर बात करें DRM इन्फो की और यहाँ पे देखोगे Samsung फिर से पहले खोल लेता है, बाकी दोनों में ही वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। भले ही स्क्रीन यार Samsung के अंदर आपको HD प्लस ही देखने को मिले लेकिन सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज की है, Narzo में आपको यार फुल HD मिलती है लेकिन LCD 90 हर्ट्ज की देखने को मिलती है। जल्दी से ओपन करते हैं क्रोम, लेट्स सी कौन जल्दी से ओपन करके रीलोड कर पाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि Narzo ने पहले ओपन कर ली है। बाकी अगर आपको स्क्रीन दिखाऊं तो देख पाओगे कि यहाँ पे यार एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ग्रेनीनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो शार्पनेस है वो आपको इतनी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी दोनों का ही 90 हर्ट्ज अगर आप देखोगे तो स्मूथ वर्क करता हुआ मिलेगा आपको, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है वो Samsung F22 की ज़्यादा मिलती है। बाकी ओपन करके देखते हैं Amazon, लेट्स सी कौन ओपन कर पाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी Samsung आगे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। Flipkart इसमें भी Samsung यार बहुत ही क्विकली वर्क कर रहा है। देखते हैं Instagram, देखते हैं Instagram को, एंड यहां पे आप देखोगे Narzo थोड़ा सा पहले ओपन हुआ। देखते हैं Twitter, एंड यहाँ पे भी Narzo थोड़ा सा ज़्यादा पहले ओपन हुआ है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिला। बाकी अगर आपको स्क्रॉलिंग दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख लो स्क्रॉलिंग Samsung की काफ़ी स्मूथ लग रही है और Narzo की भी आपको स्मूथ देखने को मिलती है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको किसी में नहीं मिल रहा है। देखते हैं JioSaavn, और यहाँ पे भी Narzo ने ओपन करा है। बाकी देखते हैं प्राइम वीडियो, तो यहाँ पे Samsung काफ़ी क्विकली ओपन कर लिया। देखते हैं Hotstar, एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन जल्दी से ओपन कर पाएगा, तो यहाँ पे भी Samsung लीड लिया हुआ है। देखते हैं YouTube, और यहाँ पर भी Samsung आगे खुल गया है। बाकी Narzo 30 का मैंने फुल रिव्यू डाल दिया है तो आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। उसी के अलावा देखते हैं प्ले स्टोर,
यहाँ पे नार्ज़ो थोड़ा सा आगे गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक देखने के लिए मिल रहा है मुझे कि सैमसंग आगे जाता हुआ मिल रहा है। ये है इनकी यूआई का जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। हालांकि अगर एड्स वगैरह की बात करूंगा तो वो यार यहाँ पे आपको सैमसंग में बहुत देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्मूथनेस भी सैमसंग में आपको थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिलती है। ये चीज़ तो मैं विदाउट एनी डाउट कह सकता हूँ। बाकी अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करी जाए, देखते हैं दोनों में ही 4GB वाला वेरियंट है, किसमें कौन से ऐप खुले हुए हैं। तो स्पीड टेस्ट दोनों में ही बंद है, DRM इन्फो लेक्सी दोनों में ही ओपन है। क्रोम देखते हैं तो सैमसंग में भी ओपन है, वेरी गुड। देखते हैं यहाँ पे अमेजोन, तो सैमसंग ने यहाँ पे रीलोड लिया है। देखते हैं फ्लिपकार्ट, एंड आई थिंक यहाँ पे नार्ज़ो ने रीलोड लिया है, सैमसंग में ओपन था। इंस्टाग्राम दोनों में ही ओपन है मेरे ख्याल से। देखते हैं ट्विटर, तो यहाँ पे यार ट्विटर भी आप देखोगे सैमसंग ने रीलोड लिया है। देखते हैं जियो सावन, दोनों ही रीलोड ले रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे हम प्राइम वीडियो को, सो फिर से दोनों रीलोड ले रहे हैं। देखते हैं हॉटस्टार, और हॉटस्टार दोनों में ही खुला हुआ है, वेरी गुड। देखते हैं यूट्यूब, यहाँ पे सैमसंग में खुला हुआ है। और उसी के अलावा देखते हैं प्ले स्टोर, तो इसमें भी सैमसंग में खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 4GB के हिसाब से यार सैमसंग परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सही काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेमोरी मैनेजमेंट उसमें भी काफ़ी बेटर वर्क कर रहा है यार। ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ। ऐप ओपनिंग में तो सैमसंग यहाँ पे आगे चला गया, इवन मेमोरी मैनेजमेंट भी आगे गया। लिखते हैं यहाँ पे यार गेमिंग किस तरीके से कर पाता है। टेम्पल रन 2 को यहाँ पे मैंने दोनों में लॉन्च किया है, लेट्स सी कौन जल्दी से यहाँ पे इसको ओपन कर पाता है। एंड आई थिंक गेमिंग में तो आप देख पाओगे लीड यहाँ पे नार्ज़ो ने काफ़ी क्विकली काफ़ी तेज़ी से ली है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी है, सुपर एमोलेड मिलेगी यार। और क्रिस्पीनेस कहाँ है यार, वो थोड़ी सी ना SD प्लस में गायब हो जाती है। बाकी दोनों में ओपन करके देखते हैं बैटल ग्राउंड, लेट्स सी कौन जल्दी से ओपन कर पाएगा। और यहाँ पर भी आप क्लियर देख पाओगे कि बैटल ग्राउंड को नार्ज़ो ने पहले ओपन करा है। बाकी दोनों के ही अंदर गेमिंग की जो सेटिंग है वो भी एकदम सिमिलर मिलती है, तो गेमिंग में आपको कोई सेटिंग वगैरह में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ओपनिंग में यहाँ पे यार मुझे नार्ज़ो आगे जाता हुआ मिला है, थोड़ा सा स्मूथ नार्ज़ो आपको दे देगा बताएंगे यार। लेकिन इसमें जो अपडेट आई है नार्ज़ो में ना, उसके बाद FPS बहुत ही फास्टली ड्रॉप हो रहा है, ये इशू मैंने देखा है, सैमसंग में नहीं देखने को मिला सरप्राइजिंगली। बाकी यार इन द एंड दोनों में ही एक वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कौन सी वीडियो को जल्दी रेंडर यहाँ पे कर पाता है सैमसंग की नार्ज़ो 30। दोनों में ही सिमिलर वीडियो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ, तो दोनों में मैंने सेम वीडियो ली है, दोनों में ही सेम एडिटिंग करी है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बिट रेट का फर्क आपको मिलेगा, जहाँ पे नार्ज़ो में 29.77 मिलता है, वहीं पे आपको यार सैमसंग M31S में, वहीं पे आपको सैमसंग F22 में सिर्फ 28.6 मिलेगा। इससे आगे हाई नहीं जा रहा है, जबकि वीडियो मैंने दोनों में ही सिमिलर ली है, दोनों में ही सिमिलर सेटिंग भी करी हुई है, तब भी यहाँ पे ये आपको डिफरेंस मिलेगा। यानी आप हाई क्वालिटी में यहाँ पे यार वीडियो को रेंडर सैमसंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बाकी ये चीज़ हो जाती है, तो देखते हैं जल्दी से कि दोनों में कौन से जल्दी यहाँ पे रेंडर करके आपको दिखा पाएगा। बाकी इन द एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि नार्ज़ो ने बहुत ही तेजी से यहाँ पे इस राउंड को जीत लिया है। सैमसंग F22 आपको पीछे देखने के लिए मिलता है। ये स्पीड टेस्ट यार काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि यार सैमसंग F22 इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करेगा। चाहे आप ऐप ओपनिंग देख लो, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट देख लो, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है नार्ज़ो 30 का। यहाँ पे यार जो UI ऑप्टिमाइजेशन है आई थिंक थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, बेसिकली गेमिंग के मामले में, जिसमें यार फ्रेम ड्रॉप थोड़े से ज़्यादा मुझे देखने के लिए मिले हैं। अगर आप लोअर सेटिंग में भी खेलते हो तो उसमें भी फ्रेम ड्रॉप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जबकि सैमसंग की यहाँ पे UI में एड्स वगैरह का तो कोई इशू है ही, लेकिन यार UI जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है, तो उस मामले में तो यार सैमसंग को कोई बीट नहीं कर पाएगा, तो ये एक काफ़ी सही चीज़ है। बाकी दोनों में से किसी में हीटिंग का भी इशू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ब्राइटनेस है या सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो आपको सैमसंग की देखने को मिलती है। बस यार यहाँ पे कमी इतनी है ना कि यार ये फुल HD नहीं है, सिर्फ HD प्लस आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं पे नार्ज़ो में LCD है, लेकिन यार ये फुल HD है, तो अगर आप ज़्यादा कंटेंट व्यूइंग करते हो तो आई थिंक यार आपको फुल HD ज़रूर से लेनी चाहिए। HD प्लस में यार इतना अच्छा शार्पनेस आपको नहीं मिलती है। बाकी आप बेजल्स वगैरह देख पाओगे कि यार आपको सैमसंग में बड़े मिलते हैं, इवन ऊपर से जो नॉच है वो भी काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर करी जा सकती थी। इवन अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे यार सैमसंग बैटरी के मामले में बड़ा है, लेकिन आपको फिर मोटाई थिकनेस और जो हैवीनेस है वो भी सैमसंग में आपको बड़ी देखने के लिए मिलती है। बाकी यार दोनों में ही 90 FPS जो है काफ़ी स्मूथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़रूर से बताइएगा, मैं फुल कंपैरिजन में आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।